शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नाश्ता। गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी तबीयत को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा घुटने में दर्द हो रहा था तो मुझे लगा आज हॉल तक नहीं जाती हूँ, ये नाश्ता करूंगी। बड़ी बता रही थी कि आज नाश्ता तुमने बनाया। जी। देखे, अरे वाह, शक्ल तो बहुत अच्छी है। अब टेस्ट करके बताऊंगी, अभी रख दे। अच्छा, वैसे जब आप नाश्ता कर लेना उसके बाद मैं आपके घुटनों की मसाज कर दूंगी। तुम्हें मसाज करनी आती है? हाँ, दादाजी की किया करती थी ना। ठीक है, कर देना। सब ठीक ठाक? हाँ, एकदम। तो मैं चलूं? मैं जानता हूं कि कुछ तो बात है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं नियति, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि ये बात मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूं। तुम्हारे पास सोचने के लिए आज का पूरा दिन है। अगर तुम्हें लगे कि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हो तो शाम को जब मैं घर आऊंगा तो प्लीज अपनी बात शेयर कर लेना मुझसे, वरना कोई बात नहीं। तुमसे तो सबको शेयर कर सकते हो अंबर, लेकिन जो बात मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है वो तुम्हें क्या बताऊं। मैं कहती हूं कि अगर सब कुछ मुझे ही करना था तो तुम किस लिए हो? अरे वैशु, मुझे मौका नहीं मिला। मौका मिलता ना फिर दिखाता मैं। हाँ, मौका नहीं मिला। अरे तुम उनमें से हो जो हाथ पे हाथ रख के मौके की तलाश में बैठे रहते हैं हमेशा। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मेरे साथ, लेकिन तुमने इतना भी नहीं सीखा कि मौका मिलता नहीं है, मौका क्रिएट करना पड़ता है। जैसे एक मौका मैंने क्रिएट किया और जिसका नतीजा ये मेरे सामने है। क्या है ये वैशु?
ये है गीत का खत जो उसने अपने दादाजी को लिखा था। अरे वाह, गीत का खत। पूजनीय दादाजी, पता नहीं मैं ये लेटर आपको। पूजनीय दादाजी, ऋषि तुम्हें भगवान ने इतनी सी भी अकल नहीं दी है क्या? हाँ क्यों, मतलब ये लेटर पढ़ने के लिए नहीं है ऋषि, इसके नीचे देखो। हाँ देखा। क्या है? गीत का सिग्नेचर। हाँ वो ये है ना, देखो ये रहा। ओह, गीत का सिग्नेचर। हाँ, और यही हमारे काम की चीज है। क्या बात है, क्या बात है। परफेक्ट। कोई नहीं कह सकता कि ये सिग्नेचर गीत का नहीं है। अब देखते हैं कि गीत की प्रॉपर्टी अपने नाम करने से मुझे कौन रोकता है। गीत क्या कर रही हो? अलमारी लगा रही हूँ। तुम ऑफिस नहीं जा रही? ऑफिस तो जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? सवाल जवाब सब रास्ते में कर लेना, चलो। और मुझे इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो तुम, चलो 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 जल्दी चलो। अरे लेकिन बात क्या है गीत, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें गलत जगह लेकर जाऊंगी? गलत और तुम? अच्छा ठीक है बाबा, चलती हूँ तुम्हारे साथ। जल्दी बैग ले लो। अरे सुनो, तुम्हारी प्रॉपर्टी की फाइल्स है ना, वो भी रख लो जल्दी। की प्लीज। ओके बाबा। ये लो। अच्छा लो।
अंकित की प्रॉपर्टी के पेपर्स की फाइल है ना, तो तुम इन फाइल्स को और गीत को लेकर कहाँ जा रही हो? बैंक लेके जा रही हूँ ये फाइल्स लॉकर में रखवाने के लिए। चलो गीत, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। कैसे अचानक पेपर्स को लॉकर में रखने की क्या सोची? कहीं से मेरे प्लान के बारे में मालूम तो नहीं पड़ गया? नहीं, बहुत चला गया। कहीं वो लेटर नियति के हाथ तो नहीं लग गया? और अगर नियति ने वो लेटर माजी को दे दिया तो? सब गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई। वैशाली, तुझे वो लेटर छुपा कर रखना चाहिए था। अब क्या होगा? कौन? लेकिन मैं इतनी टेंशन क्यों कर रही हूं? अगर वो लेटर नियति को भी मिल गया तो वो ये कैसे साबित कर पाएगी कि उसे वो लेटर मेरे कमरे से मिला, या वो लेटर मैंने कीत के कमरे से चुराया? अगर वो ये बात आगे बढ़ाती है तो ये चाल उस पे ही उल्टी पड़ेगी और उसे ही सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मंजली, मंजली, जी माँ जी। ईद का ये लेटर तुम्हारे कमरे से मिला है नियति को? इस पर तुमने गीत के साइन की प्रैक्टिस की है, मैं जान सकती हूँ क्यों? बोलो, बोलती क्यों नहीं? माँ जी, मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने इस लेटर को पहले कभी देखा ही नहीं। माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। ये सब इसकी चाल है। यही से घर तोड़ना चाहती थी माँ जी। ये सब इसी की चाल है, इसी की चाल है ये सब। अरे चुप! ऋषि, इसे इसी वक्त इसके मायके छोड़कर आओ। मैं 500 बार इसकी गलतियां माफ कर चुकी हूँ, पर अब नहीं। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। ये कुलक्षी औरत इस घर में रहने लायक नहीं है। दूर करो इसे मेरी नजरों से, ले जाओ। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो नियति मुझे मात देगी? मुझे?
कुछ भी कर ले वो, लेकिन इस घर से विदाई मेरी नहीं, उसकी होगी, उसकी। वैशु चलो खाना तैयार है। वैशु कहाँ खोई हो? खाना तैयार है चलो। और ये नियति गीत का है, कुछ बताकर गए हैं क्या? पता नहीं कहाँ चले गए। दीदी मुझे क्या पता इस घर से कौन कब जाता है, कब लौट कर आता है, खाना घर में खाएगा या खाना बाहर खाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई कुछ नहीं बताता। अरे वैशु तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और किसने क्या नहीं बताया तुम्हें इस घर में? अब दीदी वो मैं ऐसे ही कह रही थी बस। खैर छोड़ो, चलकर खाना खा लो पहले। दीदी मैं बाद में खा लूंगी, मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आता इस घर में खाना क्यों बनता है। पूछनी है दादाजी, पता नहीं मैं अपना ये लेटर कभी आपको पोस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रखकर इसे लिख रही हूँ। तो लग रहा है जैसे आप मेरे सामने हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। दादाजी मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपको इस बात की तसल्ली है कि आपकी गीत शादीशुदा है। उसका एहसान चुकाने के लिए तुमने क्या किया? दादाजी की तसल्ली के लिए कि गीत की मांग में सिंदूर भर दिया, में सिंदूर भर दिया, में सिंदूर भर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि आपके भगवान जी को शायद आपकी इस पोती के हाथों में सुहाग की लकीर खींचना ही भूल गए। पता नहीं कभी आपकी गीत के मांग में किसी के नाम का सिंदूर भरा भी जाएगा या नहीं। आपके इस बदनसीब पोती के नसीब में क्या लिखा है दादाजी? आपके गीत